Good morning. Today we are going to start question number 14 of exercise 13.1. Read the question from your book. Question number 14. How many rectangles can be drawn with 36 cm as a perimeter given that the sides are positive integers in cm? What are the possible dimensions? का मीनिंग बोल रहा है कि कितने रेक्टेंगल्स बनाए जा सकते हैं अगर किसी शेप की यानी टोटल पैरीमीटर यानी टोटल लेंथ जो है वो 36 सेंटीमीटर है. ठीक है, कितने रेक्टेंगल. तो सबसे पहले आपको रेक्टेंगल का शेप आपको पता है, ये है जिसमें एवरी साइड आमने सामने की यानी अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं. ये साइड इसके इक्वल, ये वाली साइड इसके इक्वल होती है और एवरी एंगल 90 डिग्री का. 90 डिग्री को हम इस तरह बॉक्स से बना देते हैं. आप देखिए ये है रेक्टेंगल का शेप जिसे बोल रहा है कि इसकी पूरी लेंथ, ये वाली लेंथ, ये वाली लेंथ, ये वाली लेंथ टोटल मिला के पेरीमीटर जो है, पेरीमीटर है कितनी बता रहा है 36 सेंटीमीटर. तो ये बोल रहा है कि इस पेरीमीटर से अलग अलग मेजरमेंट के कितने रेक्टेंगल्स बनाए जा सकते हैं. तो अलग अलग मेजरमेंट पे देखो हमारा फॉर्मूला क्या बनता है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का. पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 × l + b. यानी l और प्लस यानी लेंथ और ब्रेथ को अगर प्लस करते हैं तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करने पर अपना आना चाहिए 36. जैसे आप कोई भी नंबर ले लीजिए, 15 में 1 प्लस करा 16 हो गया. अब 16 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 × 2 = 32. ठीक है, तो इस तरह से अपने को नंबर लेते हुए चल रहे हैं. तो सबसे पहले देखो नहीं आ रहा है 17 लेके देखें. तो देखो सबसे पहला फर्स्ट कंडीशन 2, एल में लिया 17 प्लस बी में लिया 1, तो कितना हो गया 2 × 18 यानी 18 × 36. तो इसकी मेजरमेंट क्या हुई 17 and 1. आप यूं लिखेंगे या तो 17 and 1 लिखो या फिर लिखो आप तो इसका आंसर क्या बनेगा 17/1 यानी 17 × 1. यू कर दो, हमें आंसर लाके दिखाना है. सेकंड कंडीशन और देखो 2 × अगर मैं 16 कर दूं तो 16 + 2 यानी 2 × 16 और 2 प्लस किया तो कितना आ रहा है 18 और 18 × 36. तो इसकी मेजरमेंट क्या हुई, एक इस मेजरमेंट का रेक्टेंगल बन सकता है जिसमें 16 लेंथ है और ब्रेथ होगी 2 की. हो गए, अगला देखिए थर्ड हो सकता है 2 15 + 3. तो देखो 2 × 15 और 3 कितना हो गया 18. अपने को यही देखना. अब आप कहेंगे कि मैंने 17 से क्यों शुरू किया, तो सबसे पहले आप ये देखो इसका हाफ कर दो क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो 36 का हाफ कर दो तो 36 का हाफ कितना होता है 18. क्लियर हो गया. अब ऐसे 2 नंबर सेलेक्ट करो जिनका सम 18 होता हो, यानी ऐसे 2 नंबर माइंड में रखो जिनको प्लस करने पर 18 आता हो, उन्हें हमने रख दिया ब्रैकेट में लेंथ और ब्रेथ मान ली. जैसे देखो 17 और 1 मिला के 18 होता है, 16 और 2 मिला के 18 होता है, तो ऐसे 15 और 3 18 होता है, यानी आंसर आएगा इसका 36. तो इसकी मेजरमेंट कौन कौन सी हुई 15/3 का रेक्टेंगल हो सकता है. अगला रेक्टेंगल कितने का हो सकता है 14 + 4. 14 और 4 को करेंगे क्योंकि नेगेटिव नहीं आता कभी भी, तो इसमें पॉजिटिव यानी प्लस में, तो और कोई इससे बड़ा वाला नंबर हो नहीं सकता क्योंकि लेंथ 0 तो हो ही नहीं सकती, ब्रेड्थ कभी भी मिनिमम 1 तो होगी होगी. तो 14 और 4 18 यानी 2 × 18 18 × 36 यानी इसकी मेजरमेंट क्या हो गई 14 × 4. फिर देखिए 2 13 + 5, तो 2 × 13 और 5 कितना हो गया 18 यानी 18 × 36. तो इसके लिए भी इसकी मेजरमेंट क्या बनी 13 × इसको हम यू लिखते हैं ना, इसको बोलते यू है 17/1 16/2
यानी कि लेंथ इनटू ब्रेथ होती है ये। अगला है 6, देखो और बन रहा है इसका 12.6, तो 12 और 6 18 होता है, मल्टीप्लाई करते वही 36 आ गया, तो इसका मेजरमेंट क्या बना 12/6। 7 देखो कितने रेक्टेंगल अपन बना सकते हैं, 2 11+7 तो कितना हो जाएगा 2 into 18, क्योंकि दोनों को प्लस किया 18 हो गया, 36 आएगा वही, तो इसकी मेजरमेंट क्या क्या हो गई 11/7। अगला देखिए 2 10+8 तो ये हो गया 2 into 18 तो कितना हो गया 18 2 36, यानी इसकी मेजरमेंट हो गई 10/8, यानी 10 और 8 लेंथ 10 होगी और ब्रेथ होगी 8। 9th 2 9+9 इक्वल पे आगे रुक गया, अब ये हो गया 2 into 18, ये हो गया 36, तो इसका आंसर क्या बना 9/9, यानी लेंथ भी 9 और ब्रेथ भी 9। तो ऐसे अब कितने रेक्टेंगल्स बन सकते हैं अलग अलग मेजरमेंट के इसी पैरीमीटर, जिसकी पैरीमीटर 36 ही है लेकिन अलग अलग शेप बन गई, लेंथ 17 है तो ब्रेथ 1 हो गई, लेंथ 16 है तो ब्रेथ 2 हो गई, लेंथ 15 है ब्रेथ 3 हो गई, लेंथ 14 है ब्रेथ 4 हो गई, इस तरह से इनकी लेंथ और ब्रेथ चेंज हो गई। क्वेश्चन नंबर 15, अ वुमन एथलीट हैज टू रन अ रेस ऑफ 400 मीटर अराउंड अ रेक्टेंगुलर फील्ड, एक वुमन है वो रेक्टेंगुलर फील्ड मतलब ये रेक्टेंगल का फील्ड है इसके चारों तरफ वो रेस लगा रही है, दौड़ रही है, ठीक है, और उसे उसे उसने पहले डिसाइड कर रखा है कि उसको 400 मीटर दौड़ना है, उसे नहीं पता कि इसकी पैरीमीटर कितनी है, बस उसे पता है कि इसको 400 मीटर दौड़ना है, ठीक है। अब यहाँ पे बोल रहा है इफ द लेंथ ऑफ द फील्ड इज 30 मीटर, लेंथ है फील्ड की 30 मीटर एंड ब्रेथ है 20 मीटर, तो देखो ये रेक्टेंगल हो गया, ये 30 मीटर हो गया और ये हो गया 20 मीटर ब्रेथ। अब इसका अपने को निकालना है कितना, कि एक तो इसका निकालना है और बोल रहा है कि हाउ मेनी टाइम्स डज शी रन अराउंड द फील्ड, कितने टाइम्स वो फील्ड में दौड़ेगी, तो इसके लिए टाइम्स शी वुड रन, जो भी टाइम निकाला कितने टाइम्स निकालेगी उसके लिए हो जाएगा 400 जितना उसको दौड़ना है अपॉन में रेक्टेंगल की एल इंटू बी, तो कितना हो गया 400 अपॉन 30 इंटू 20, 10 से 10 कैंसिल और इस 10 से 10 400 है, ये क्वेश्चन देख लीजिए 30 इंटू ये और 400 मीटर राउंड में रेक्टेंगल में घूमना है इसको, तो ब्रैकेट में सॉरी ये है अपना पेरीमीटर निकालना है यानी 2 L+D, तो ये हो जाएगा 2 और काटना नहीं इसको, 2 L हो गया 30 और B हो गया 20, आगे देख लो 400 अपॉन 2 into 30 और 20 प्लस किया तो कितना हो गया 50, यानी 400 अपॉन 50 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो कितना होगा 100, 00 से 00 कैंसिल तो कितना हो गया 4 times, यानी जितना उसको चक्कर लगाना है ना उतना राउंड ऊपर लिख दिया जितने भी किलोमीटर उसको दौड़ना है अपॉन अपन एक बार के राउंड में कितना पैरीमीटर होता है, तो एक बार का राउंड यानी पैरीमीटर हो गया 1 time का, डिवाइड कर दो तो आपको पता चल जाएगा कि उसे कितने राउंड लगाने पड़ेंगे तब जाके उसका 400 मीटर या किलोमीटर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इन द रेशियो 7:5, ये बोला है रेक्टेंगुलर फील्ड है उसका लेंथ और ब्रेथ का रेशियो है 7:5 में, इफ द लेंथ ऑफ द फील्ड इज 70 मीटर, लेंथ ऑफ फील्ड
लेंथ ऑफ फील्ड है 70 मीटर, तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, यानी फेंसिंग करवाने की कॉस्ट कितनी है फील्ड एट द रेट ऑफ 8 रुपीज पर मीटर, यानी 1 मीटर की फेंसिंग करवाने की रेट है 8 रुपीज। तो सबसे पहले तो फेंसिंग तो बात की बात है, पहले तो अपने पास में लेंथ पता है, ब्रेथ नहीं पता। तो ब्रेथ फाइंड आउट करने के लिए बी इज इक्वल टू, ब्रेथ फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, जब रेशियो में दिया होता है तो जिसका रेशियो फाइंड आउट करना है वो ऊपर लिखा जाता है, जैसे बी का फाइंड आउट करना तो बी का रेशियो ऊपर और जिसका दिया है वो लिखा जाता है नीचे, ये हो गया 7 नीचे और जितना दिया है उसको कर दिया मल्टीप्लाई में ऊपर। तो देखो 7 से 7 टन जा 70 और 10 को 5 से मल्टीप्लाई करो तो 50 मीटर। पहले हमने निकाली ब्रेथ, अब हमारे पास लेंथ भी है और ब्रेथ भी है, तो अब इसका पेरीमीटर निकालना हमें, क्योंकि वो बोल रहा है कि फेंसिंग करवानी, और फेंसिंग का मतलब होता है जैसे आप एक तरह से मान लो बाउंड्री वॉल, ठीक है। तो ये हो गई आपकी, तो इसका मतलब क्या निकला पेरीमीटर, तो ये हो गया पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 लेंथ प्लस ब्रेथ, यानी 2 लेंथ हमारी है 70 और ब्रेथ हो गई है 50, तो ये हो गया 2 इंटू, इन दोनों को प्लस करें 70 और 50 को, तो कितना हो गया 120। अब 120 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 2 0 0 2 2 4 एंड 2 1 2 240 मीटर हो गई है इसकी पेरीमीटर, मतलब इतनी लंबी फेंसिंग करवानी है। अब 1 मीटर की कॉस्ट कितनी है, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर फेंस 8 रुपीज पर मीटर, तो क्या आ जाएगा कॉस्ट फॉर फेंसिंग पर मीटर, ठीक है, पर मीटर इज इक्वल टू कितना है 8 रुपीज। तो अपने को कितने पे करवानी है 240 मीटर में, तो कितनी हो जाएगी टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू 240 इंटू 8, 8 से मल्टीप्लाई कर दो 240 को, 8 0 0 8 4 32 कैरी 3 8 2 16 16 में 3 प्लस कर दीजिए तो कितना हो गया 19। ये हो गया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी 1920 रुपीज। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 में रीड द क्वेश्चन फ्रॉम अ बुक, द पेरीमीटर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेगुलर पॉलीगॉन्स इज 120 सेंटीमीटर, हाउ लॉन्ग इज द साइड ऑफ द पॉलीगॉन, यानी आपको पेरीमीटर दी हुई है 120 सेंटीमीटर, सारी जितनी भी शेप्स हैं सबकी पेरीमीटर है 120। अब आपको केवल इतना पता लगाना है कि हर शेप की साइड कितनी है। सबसे पहला आपको शेप है ट्राइंगल, ट्राइंगल में साइड कितनी है 3 साइड, और ये बोल रहा है रेगुलर पॉलीगॉन, रेगुलर पॉलीगॉन का मतलब होता है कि जो भी आपको शेप दी उसकी सारी साइड इक्वल है, जैसे ट्राइंगल है तो रेगुलर ट्राइंगल है, तो इसका मतलब है इसकी जितनी भी 3 साइड्स है तीनों की तीनों इक्वल है, ठीक है। तो इसका पेरीमीटर के लिए इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी साइड, इसकी साइड हो जाएगी 120 टोटल है और इसकी साइड कितनी है 3, तो 3 से डिवाइड कर दो 3 4 12 और 0, तो ये हो गया 40 सेंटीमीटर में है 40 सेंटीमीटर, यानी इसकी ईच साइड 40 सेंटीमीटर की होगी। ऐसे ही नेक्स्ट शेप है रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल में साइड कितनी है 4, तो इसकी एवरी साइड कितने की निकलेगी 120/4 4 3 12 और 0 30 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है 1 2 3 4 5 साइड है 1 2 3 4 5 साइड, तो इसकी ईच साइड कितने की निकलेगी, ईच का मतलब है एक साइड, तो 120/5 से डिवाइड कर दो क्योंकि रेगुलर और रेगुलर का मतलब है एवरी साइड इक्वल, तो इतना हो गया 5 2 10 2 5 4 20 24 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है 1 2 3 4 5 6 हाउ मेनी साइड्स आर देयर 1 2 3 4 5 6 साइड्स है, तो
तो एवरी साइड की लेंथ कितनी हो जाएगी 120/6, 6 × 12 एंड 0, तो कितना हो गया 20 सेंटीमीटर। एंड लास्ट ये है रेगुलर ऑक्टागन, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। यू कैन सी दीज डायग्राम्स फ्रॉम योर बुक। सो एंड काउंट दस एवरी साइड काउंट कर सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 साइड है, तो इसकी ईच साइड कितनी हो जाएगी 120/8। 8 से डिवाइड करो, 8 × 1 = 8, 4 बचेगा, 4 0 से 4 लगाते 40 बनता है, 8 × 5 = 40, 15 सेंटीमीटर। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 17 कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर, व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम द आंसर। इसमें आपको एवरी फिगर की पेरीमीटर निकालनी है। फर्स्ट देखो, आपको स्क्वायर दिया हुआ है, क्योंकि स्क्वायर की एवरी साइड इक्वल होती है 15, 15 एंड 15। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 × साइड, तो क्या हो जाएगा 4 × 15, तो कितना हो जाएगा 15 × 4 कर दो, 15 × 4 = 16 सेंटीमीटर। ये हो गई पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर फर्स्ट शेप। सेकेंड शेप है रेक्टेंगल, रेक्टेंगल में 20 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर आप प्लस करके भी देख सकते हो एवरी साइड को। देखो 15, 15 × 30, 45 एंड 60। अब इसको अगर प्लस करें तो देखो डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं हम, 20, 20, 40, 50, 60। अब रेक्टेंगल है, उसको फॉर्मूले में लगा लेते हैं, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट में एल प्लस बी, यानी 2, 20 + 10, ये एल हो गई और ये बी हो गई, तो 10, 20 एंड 10। अब देखो 2 × 20 और 10 को प्लस किया तो 30, यानी 32 × 60 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है ट्राइंगल, ये इसका ये 20 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर। तो इसकी साइड मान लेते हैं हम, 3 साइड है, 1, 2, 3, तो ए साइड, बी साइड, सी साइड। तो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला है ए साइड प्लस बी साइड प्लस सी साइड, यानी कि हो गया 25 + 20 + 15, प्लस कर दो 5 और 5 = 10, कैरी 1, 4 × 2 = 4 and 1 = 5, 50 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है शेप 1, 2, 3, 4, 5 और 6, रेगुलर हेक्सागोन बोल रहा है। रेगुलर हेक्सागोन मतलब जिसकी 6 साइड्स इक्वल है और एवरी साइड है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 10, 10, 10। अगर हम देखो डायरेक्ट आंसर निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं, इसको एक बार प्लस करते 5 और 5 = 10, कैरी 1, 4 और 1 = 5 और 1 = 60 हो गया ये वाला, ठीक है, प्लस करके देख लेते हैं। अगला देखिए, ये हो गया आपका 10 10, यानी 10, 20, 30, 40, 50, 60। अब अपन इसको करके भी देख लेते हैं, पेरीमीटर ऑफ रेगुलर हेक्सागोन, रेगुलर हेक्सागोन, हेक्सागोन मतलब 6 साइड्स है, तो 6 × साइड, क्योंकि एवरी साइड इक्वल है, तो 6 × 10, तो 6 × 10 कितना हो गया 6 × 10 = 60 सेंटीमीटर। नाउ दिस इज योर
एक्सरसाइज कंप्लीट, एक्सरसाइज 13.1 नेक्स्ट क्लास में करेंगे, न्यू एक्सरसाइज. थैंक यू.